चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे फाइटर के आठवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म की अब तक की टोटल इंडिया नेट ग्रोस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 24 करोड़ 60 लाख का नेट कलेक्शन किया था। वही अपने पहले वीकेंड में 123 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया था। फिल्म ने अपने पांचवें दिन में 7 करोड़ 55 लाख का, छठवें दिन में 7 करोड़ का और अपने सातवें दिन में बुधवार के दिन लगभग 6 करोड़ 58 लाख का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ इस फिल्म के 7 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 144 करोड़ 53 लाख का हो चुका है। वही टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 172 करोड़ 40 लाख का हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 70 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अपने 7 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 242 करोड़ 40 लाख का कर लिया है। दोस्तों, बात करें इस फिल्म के आठवें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने आठवें दिन भी इंडिया में लगभग 6 करोड़ 20 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 200 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हो चुकी है। दोस्तों, फरवरी में कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है जिसके चलते इस फिल्म को फायदा मिलेगा और ये फिल्म कलेक्शन करते हुए सेमी हिट भी हो सकती है। दोस्तों, ये ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद की साथ में तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने साथ में बैंग बैंग और वॉर फिल्म में भी काम किया है। दोनों की पहली फिल्म बैंग बैंग भी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। वही दोस्तों, बात करें फाइटर की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को आईएमडीबी की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, क्या लगता है ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।